तो प्रश्न ऐसा है, मिथ्यात्व सहित अनशन आदि जो बाह्य क्रियाएं होती है उस समय अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषायों का कोई योगदान होता है? मिथ्यात्व सहित की बात चल रही है, तो मिथ्यात्व सहित यानी गुणस्थान पहला है, तो पहला गुणस्थान है तो कौन से कषायों का उदय है? चारों कषाय चौकड़ी का, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। तो जहाँ अनंतानुबंधी का कार्य चल रहा है वहाँ उसको हम अनंतानुबंधी का कहेंगे, जहाँ उसकी विद्यमानता में। जब अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है तब सभी का उदय चल रहा है, उसका क्या योगदान हो रहा है? तो वो अभी अनंतानुबंधी जैसा बिहेव कर रहा है, सर्वघाती तो है ही, वो उसके अभी संज्वलन तो देशघाती है, फिर भी मिथ्या तो गुणस्थान में उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। अभी अनंतानुबंधी है यानी यहाँ कुछ, तो उसका तो मिथ्यात्व कम करने में उसका योगदान होगा कि नहीं होगा? व्रत करने से मिथ्यात्व गलेगा कि नहीं गलेगा? तो नहीं, उसका कुछ नहीं, क्योंकि अनंतानुबंधी का उदय है, मिथ्यात्व का भी उदय हो रहा है, तो व्रतों से कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा? तो हमने देखा था मंद परिणाम है, मंद कषाय है, तो अघाती कर्मों में कुछ पुण्य प्रकृतियाँ बंधेगी कितने काल तक? जब तक परिणामों में विशुद्धि है, और वो तो अंतर्मुख से ज़्यादा हो नहीं सकती, तो कभी विशुद्धि कभी संकलेश चलते रहेंगे, हाँ, तो कभी पाप कभी पुण्य भी बंधेंगे उसके, तो उससे उसके कुछ लेना देना नहीं। तो क्या नहीं करना चाहिए? ऐसी बात नहीं, वो नहीं करेंगे तो और पाप में थोड़ा ही जाना है। यहाँ कभी भी कहीं व्रतों का निषेध नहीं किया है। उस व्रत करने से मैं सम्यक दर्शन जल्दी पा जाऊँगा, या वो व्रत करते करते वितरागता हो जाएगी, या व्रत करने से यानी शुभ भाव से, व्रत यानी तो यहाँ तो क्रिया की बात चल रही है, शरीर की क्रिया से तो कुछ नहीं होने वाला है। क्या कहा? शरीर की क्रिया से ना पुण्य बंधेगा ना पाप बंधेगा। किससे बंधेगा? परिणाम से बंधेगा। उपवास क्यों किया? सब कर रहे इसलिए किया। हम 8 उपवास करेंगे, 10 उपवास करेंगे तो लोग हमें माला पहनाएंगे, इसलिए किया। तो वहाँ तो पुण्य भी नहीं बंधा, पेट तो खाली रहेगी। अष्टपावण में लिखा है जो अज्ञानी तप करते हैं वो तो तप का क्लेश पाते हैं। क्यों क्लेश? क्योंकि वो कष्ट सहन कर रहे हैं, भूख सहन कर रहे हैं। भूख सहन करने का नाम उपवास नहीं है, सहन करना इन्हें दुखरूप प्रतीति हो रही है। और मुनिराज जब अंतरंग में स्थिर है तो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कर रहे हैं, और उस समय उनके खाने के विकल्प नहीं उठते हैं, उनके जो उपवास होता है तो उनमें वो कष्ट सहन नहीं कर रहे, वो तो आनंद का उपभोग ले रहे। ये ज्ञानी और अज्ञानी के व्रतों में भी फर्क है। पर कहीं ऐसा नहीं समझना कि व्रत होते ही नहीं है, करते ही नहीं है, क्योंकि हम जब गुणस्थान की चर्चा चलेगी, अभी यहाँ शिविर लगेगा मई महीने में, तो कोई ऐसा है ना, मिथ्या तो है, उसने मुनिव्रत अंगीकार किए है और सही उसका निर्णय हो गया है, तो पहले गुणस्थान से 7वां गुणस्थान डायरेक्ट होगा उसका, हो सकता है। तो निषेध कहीं नहीं है, यहाँ हमेशा निषेध जो है वो मान्यता का किया जाता है। हमारी मान्यता में अगर कुछ खोट है उस संबंधी कि इसको करने से मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, ऐसी अगर मान्यता होगी तो वो मान्यता खोटी है। व्रत छोड़ दो ऐसा कहीं नहीं कहा है। जब हम कहते दवा की गोली खाने से बुखार मिट गया, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे, आचार्य हमारे कहते ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं सही? हाँ, दोनों में क्या है? अन्योन्या भाव, दो स्कंध अलग अलग है ना, तो दवा की गोली और ये शरीर का परिणाम जो हो रहा है इनमें अन्योन्या भाव है, तो उसके कारण यहाँ कुछ परिवर्तन नहीं होता। जब ऐसा कहते हैं आज से हम दवा खाना छोड़ देंगे, यानी दवा खाने की बात छोड़ देंगे, तो कहते मान्यता तो वही रही। हमने तो वो केवल क्रिया शुरू की, क्या क्या दवा से नहीं होता ना, हम खाएंगे नहीं, नहीं खाते हुए वो दवा से नहीं हो रहा, ये बात है। जो दवा खा रहा है उसका जो बुखार मिट गया वो दवा से नहीं मिटा है, ये बात कहना चाहिए। क्योंकि यहाँ लो लिखा है ग्रंथों में कि बाई रोटी नहीं बना सकती। अरे नहीं बना सकती तो हमने पूरी जिंदगी रोटी बनाने में बिताई, उसका क्या होगा?
आज से हम नहीं बनाएंगे, देखो कल आपका पेट कैसे भरते हैं। तो उसने मान्यता छोड़ी कि रोटी बनानी छोड़ी, उसको कभी बना ही नहीं थी उसने। फिर वो माना था कि हम इतना कार्य कर करके थक गए हैं। गुरुदेव क्या कहते, कौन करे, कोई मंदिर बनाए इतना बढ़िया हो गया, इतना कार्य अच्छा हुआ, तो कहते थे कौन करे। कौन करे का अर्थ क्या है, अरे वो पुद्गल की जड़ की क्रिया कोई जीव नहीं कर सकता। तो आपकी प्रेरणा से तो हुआ कि नहीं हुआ, शुभ भाव से तो हुआ कि नहीं हुआ, ये शुभ भाव से जड़ का कार्य नहीं हो सकता, ये निर्णय हमें भी लेना है पहले में पहले। फिर भी हम किसी न किसी रूप में हम उसके कर्ता बनना चाहते हैं। अरे हमने तो शुभ भाव तो किया कि नहीं, हमने इनको सजेस्ट किया तो हुआ कि नहीं, हमने दान दिया इसलिए तो हुआ कि नहीं ये कार्य, देखो हमने रात दिन मेहनत की, वहाँ निगरानी रखी, इसलिए कार्य हुआ कि नहीं हुआ। यानी हम उसके हम निमित्त तो है ना, यानी निमित्त के रूप में भी कर्ता बुद्धि कायम रखना चाहता है। ये हमारी जो मूलभूत अभिप्रायों में जो भूल है, उस भूल को हमें ही देखना है। हमारे दोष कहाँ छिपे है वो हमें ही पता है, और उसको अगर हम सही जो ज्ञान है वो अंगीकार करते तो दोष दूर हो जाते। उसके लिए के चार उपवास करने से वो अभिप्राय दूर होने वाला नहीं है, तो सही तत्व निर्णय करने से ही अभिप्राय सही हो सकता है। तो ये प्रश्न हो